नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं 4 बजे की 4 बड़ी खबरों की। यूपी समेत देश के अलग अलग राज्यों में कोरोना के मामले एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं। कोविड-19 के बढ़ते मामलों पर रोक लगाने के लिए आज से देश भर में 18 साल से ऊपर वालों को मुफ्त बूस्टर डोज लगेगी। इसी क्रम में प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सीएम योगी ने बूस्टर डोज अभियान की शुरुआत की और सीएम योगी के साथ डिप्टी सीएम बृजेश पाठक भी मौजूद रहे। बता दें कि देश में एक बार फिर से कोरोना के मामलों में इजाफा हुआ है। पिछले 24 घंटे में 20,038 नए कोविड केस दर्ज किए गए हैं। वहीं बीते दिन 47 लोगों की मौत हुई है। ये प्रिकॉशन डोज यानी बूस्टर डोज के एक विशेष अभियान आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से भारत सरकार ने प्रारंभ किया है। 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के उन सभी लोगों को, जिन लोगों ने कम से कम 6 माह पहले यानी 26 सप्ताह पहले वैक्सीन की दूसरी डोज ले ली है, उन्हें अब बूस्टर डोज भी अमृत डोज के रूप में फ्री में उपलब्ध करवाने का निर्णय भारत सरकार ने लिया है। 30 सितंबर का ये 75 दिन का विशेष अभियान है और इस दौरान उत्तर प्रदेश के अंदर 12,08,21,597 लोग बूस्टर डोज के लिए पात्र होंगे। ये वैक्सीनेशन का जो बूस्टर डोज कंप्लीट डोज के रूप में उपलब्ध कराने का विशेष अभियान है और जो फ्री में हर एक भारतवासी को प्राप्त हो रहा है, हम इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। और मैं पूरे प्रदेशवासियों से अपील करूंगा कि 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग का हर व्यक्ति जो भी इसकी पात्रता की श्रेणी में आता है, कोरोना के खिलाफ देश की इस लड़ाई को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने के लिए प्रिकॉशन डोज यानी बूस्टर डोज अमृत डोज के रूप में आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के इस 75 दिनों के इस विशेष अभियान के साथ जरूर ले। अब फ्री में बूस्टर डोज लगाई जाएगी। कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए बूस्टर डोज लगाने के लिए अब नई पहल शुरू करी गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस अभियान की शुरुआत की आज और साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि अब फ्री में लगेगी। जहां कोरोना वैक्सीनेशन की दोनों डोज फ्री में लगाई गई, वहीं अब बूस्टर डोज भी फ्री में लगाई जाएगी। राजधानी लखनऊ में सीएम योगी ने बूस्टर डोज अभियान की शुरुआत की है। उनके साथ डिप्टी सीएम बृजेश पाठक भी मौजूद रहे। देश में एक बार फिर कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 20,038 नए कोविड केस दर्ज किए गए हैं। वहीं बीते दिन 47 लोगों की मौत हुई है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार एक बार फिर वैक्सीनेशन की ओर ज्यादा ध्यान दे रही है और इसी कोशिश में बूस्टर डोज को भी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए फ्री में लगाया जा रहा है और आज से इस अभियान की शुरुआत करी गई है। आपको बता दें कि 18 साल से अधिक उम्र के लोगों को फ्री में वैक्सीनेशन की बूस्टर डोज लगाई जाएगी और इसी क्रम में आज राजधानी लखनऊ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस अभियान की शुरुआत करी है। जहां अभी तक पहली और दूसरी डोज कोरोना की फ्री में लगाई गई है और अब बूस्टर डोज को भी फ्री में लगाया जाएगा ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेट हों, कोरोना के बढ़ते मामलों पर लगाम लग सके, लोगों कोरोना को हरा सके। इसीलिए अब इस अभियान की शुरुआत करी गई है। आपको बता दें कि कोरोना की रफ्तार थम गई थी। जब लोग वैक्सीनेट हुए, ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीनेट हुए तो कोरोना के मामले कम आने लग गए थे और बहुत ही कम दर्ज किए जाते थे कोरोना के मामले। लेकिन जैसे जैसे वैक्सीनेशन की समय सीमा बढ़ी, वैसे वैसे कोरोना के मामले अब एक बार फिर सामने आ रहे हैं, जिसको ध्यान में रखते हुए लोगों को बूस्टर डोज के लिए जागरूक किया जा रहा है, क्योंकि लोगों में लापरवाही देखने को मिली। लोग बूस्टर डोज नहीं लगवा रहे थे और अब इसी क्रम में बूस्टर डोज को भी फ्री कर दिया गया है। अभी अभियान चलाया जा रहा है जहाँ 18 साल से अधिक उम्र के लोगों को फ्री में बूस्टर डोज लगाई जाएगी।
आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे में 20,038 नए मामले सामने आए हैं। 47 लोगों की मौत भी दर्ज करी गई है कोरोना की वजह से, जिसको देखते हुए अब एक बार फिर सरकार ने इस नए अभियान को शुरू किया है। इस खबर पे हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता नितिन जुड़ चुके हैं। नितिन, जिस तरह से कोरोना के मामले एक बार फिर अपने पैर पसार रहे हैं और बूस्टर डोज के प्रति लोग जागरूक भी नहीं दिखे, इसको देखते हुए एक बार फिर सरकार चौकन्ना हुई है। लोगों तक बूस्टर डोज पहुंचाने के लिए फ्री बूस्टर डोज का अभियान चलाया जा रहा है, क्या कुछ जानकारी? देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज इस अभियान की शुरुआत की और बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से आदेश जारी किया गया था कि लगभग सभी प्रदेशों में इसे चलाया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रिकॉशन डोज अभियान की शुरुआत आज की है और लखनऊ के सिविल अस्पताल में खुद पहुंचे हुए थे, जहां पर उन्होंने इस कार्यक्रम की शुरुआत की, देखा कि कैसे लोगों को डोज दी जाएगी। प्रिकॉशन डोज की अगर बात करी जाए तो ये डोज जो है वो उत्तर प्रदेश के नागरिकों को जो 18 प्लस से ज्यादा है, जिनकी उम्र 18 साल से ज्यादा है, उन्हें मुफ्त में लगाई जाएगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा भी था कि सभी को ये जो डोज है ये मुफ्त में लगाई जाए। 75 दिनों का अभी जो रोड मैप है वो तैयार किया गया है कि 75 दिनों में ये अभियान जो है वो बड़े पैमाने पर किया जाए और उत्तर प्रदेश में करीब 12.5 करोड़ लोगों को ये जो बूस्टर डोज है या फिर प्रिकॉशन डोज है इसको लगाई जाए। इसके अलावा आज सबसे पहले दिन की अगर हम बात करें तो राजधानी लखनऊ में स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक वो पहुंचे हुए थे सिविल अस्पताल। उन्होंने पहली डोज लगवाई है इस बूस्टर डोज की, प्रिकॉशन डोज की, और उसके बाद ये जो अभियान है इस अभियान की शुरुआत हो चुकी है। अब देखना ये होगा कि सरकार की तरफ से जो टारगेट लिया गया है कि 12.5 करोड़ लोगों को ये बूस्टर डोज जो है वो लगाई जाएगी, ये कितनी कारगर सिद्ध होता है और कितनी जल्दी ये जो आंकड़ा है इसे सरकार या फिर स्वास्थ्य विभाग पाता है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता नितिन कुमार जुड़े हुए थे इस खबर पे। तो सीधे तौर पे अब लोगों को बूस्टर डोज के लिए जागरूक किया जा रहा है, क्योंकि जब कोरोना के मामले कम आने लगे तो लोग वैक्सीनेट तो हो चुके थे, दोनों डोज लगवा चुके थे, लेकिन कहीं ना कहीं बूस्टर डोज के प्रति लोगों में लापरवाही देखने को मिली। गोरखपुर में घरेलू गैस के दामों में हो रही वृद्धि और बढ़ती हुई महंगाई को लेकर कांग्रेस पार्टी की जिलाध्यक्ष निर्मला पासवान के नेतृत्व में दर्जनों महिलाओं ने ताली थाली बजाकर अपना विरोध जताया। इसके साथ ही महिलाओं ने इंदिरा बाल विहार चौराहे से पैदल मार्च भी किया। तस्वीरों में देख सकते हैं आप किस तरह से प्रदर्शन दर्ज करवाती हुई नाराजगी जताती हुई महिलाएं नजर आ रही हैं। गैस की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही है और कांग्रेस की अध्यक्षता में आज प्रदर्शन किया गया है बढ़ती महंगाई और गैस की कीमतों को लेकर। जैसा कि आपको मालूम है कि ये बीजेपी की सरकार एक झूठी सरकार और एक महिलाओं को सबसे ज़्यादा छलने वाली सरकार है। इन्होंने कहा था कि महिलाओं के लिए कि गैस फ्री में देंगे, आज गैस आसमान छू रहा है, दिन प्रतिदिन गैस के दाम बढ़ते जा रहे हैं, इस महंगाई में हज़ारों रुपए पार हो गए हैं। या बताइए कि हम आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि गैस का दाम इतना बढ़ गया है, घरेलू सामान इतना, महिलाएं इतनी त्रस्त हो गई हैं कि गैस भरवाएं या कि घर का सामान ले कि बच्चों का टिफिन बनाए, आज इसको लेकर के महिलाएं किचन से सड़क पर उतरी हैं। और यही किचन की महिलाएं एक बार मोदी सरकार को बनाई थी और यही किचन की महिलाएं मोदी सरकार को गिराएगी। इस खबर में हमारे साथ गोरखपुर से संवाददाता हिमांशु जुड़ चुके हैं। हिमांशु, गैस के बढ़ते दाम जो कि अब 1,000 के पार हो चुके हैं, आज कांग्रेस के नेतृत्व में महिलाओं ने प्रदर्शन किया, किस तरह से देख रहे हैं? पहले जो आंकड़ा आप उठाने तो उसमें आप देख सकते हैं कि जनवरी में 962 रुपए का यही 14.2 किलो का सिलेंडर हुआ करता था घरेलू सिलेंडर, लेकिन आज की डेट में इसका दाम आप देखें तो इसमें काफी वृद्धि हो चुकी है। अप्रैल में 50 रुपए की वृद्धि हुई, इसके साथ ही 1,012 रुपए का घरेलू सिलेंडर हो गया, जबकि मई में 63 रुपए की वृद्धि हुई, इससे 1,065 हो गया। हालांकि जून में थोड़ा सा सहूलियत देने की कोशिश की गई, लेकिन ये नाकाफी थी, 3 रुपए की मात्र इसमें कटौती की गई थी। लेकिन इसके बाद भी देखा जाए तो 162 रुपए पड़ रहा था, जबकि जुलाई आते आते इसमें 67 रुपए की वृद्धि कर दी गई है और सीधे 1,119 रुपए का एक सिलेंडर पड़ रहा है। तो जाहिर सी बात है इससे लोगों को जो है हालियों में जहाँ पे खाना
परोसा जाता है वो काफी महंगा होता है, खाद्य सामान भी बहुत महंगे हो रहे हैं और लोगों को किसी तरह से सहूलियत नहीं मिल रही है। और आप पेट्रोल की दाम करें तो यूक्रेन युद्ध के बाद जो है सबसे पेट्रोल जो रशिया से ले रहा था इंडिया, उसका भी कहीं ऐसा देखने को नहीं मिला है कि इससे कहीं भी सहूलियत मिलती दिख रही हो, कि लोगों को पेट्रोल के और डीजल के दामों में कोई कटौती हो रही हो, गैस में भी वृद्धि हो रही है, खाद्य सामानों में वृद्धि हो रही है, तो इससे जनता को काफी असर पड़ रहा है और जनता जो है महंगाई से त्रस्त हो रही है। आम जनता की बात करें, आम परिवार के लोग जितने भी होते हैं सामान्य, वो पूरी तरह से इससे त्रस्त हो जाते हैं क्योंकि महंगाई का सामना है, गैस खरीदना है, आमदनी इतनी है और खाद्य सामान भी महंगा है, गेहूँ चावल दाल आटा सब्जी हर चीज महंगी होती जा रही है और जाहिर सी बात है कि सब महंगा आई है, इससे ट्रांसपोर्ट जो है गेस्ट ट्रांसपोर्ट वो भी महंगा पड़ जाता है, जिससे महंगाई जम पे हो रही है और बारिश का सीजन है, इतनी बारिश नहीं हो रही है और आशा लगा जा रहे हैं कहीं इससे सूखा ना पड़े और सूखा पड़ने की घोपला हालांकि मुख्यमंत्री जगह से सूखा पड़ तय कही जगह, तो ऐसे में क्या हालात होंगे आने वाले समय में ये तो देखने की बात होगी, क्योंकि इसके लिए कांग्रेस ने एक मार्च भी निकाला, महिलाओं ने कांग्रेस की जितनी भी नेतियां थी उन्होंने जो है वहां पे आलिया पीटी है और उसका कहना था कि केंद्र सरकार जो है पूरी तरह से महंगाई को रोक पाने में असक्षम हो रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, गैस सिलेंडर का जैसे रेट पड़ रहा है वैसे महिलाएं कैसे अपना घर गृहस्थी चला पाएंगी, ये देखने वाली बात होगी। जी हिमांशु, अगर बात करी जाए कांग्रेस की तो कांग्रेस द्वारा जगह जगह पर स्मृति ईरानी के गैस सिलेंडर और उसके दामों के साथ 2014 और 2022 के दामों के साथ होल्डिंग्स भी लगाए जा रहे हैं, तो क्या गोरखपुर में भी कहीं ऐसे होल्डिंग्स देखने को मिले? ये बिल्कुल कांग्रेस जो है इसका पूरी तरह से फोकस कर रही है, पूरी तरह से विरोध कर रही है, क्योंकि इनका साफ कहना है कि यहाँ पे जो है जब कांग्रेस की सरकार थी और 450 रुपए का सिलेंडर हुआ था पचास तब हुई है, स्मृति ईरानी जो है रोड पे बैठ गई थी, बीजेपी की जितने कार्यकर्ता हैं वो रोड पे थे और सिलेंडर लेकर के हंगामा कर रहे थे कि महंगाई से रोक लगाई जाए, गैस सिलेंडर महंगा, और आज ठीक दुगने रेट से भी ज्यादा का हो चुका है, सिलेंडर 1000 से पार हो चुका है, तो ऐसे में क्यों नहीं कोई उतर रहा है और किस तरीके से इसको देखा जाए कि क्या एकदम पूरी तरह से शून्य हो गया। हालांकि कई तरह का आरोप उन्होंने लगाया है सरकार से, तो जाहिर सी बात है कि महंगाई का सामना जो है आम जनता को करना पड़ रहा है, इन पार को आम जनता के ऊपर है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर में हमारे साथ गोरखपुर से संवाददाता हिमांशु जुड़े थे। रुक करते अगली खबर की तरफ, बदायूं के मूसा झाग थाना क्षेत्र के गांव रूपपुर में झोला छाप डॉक्टरों का बोलबाला है, डॉक्टर बिना डिग्री बिना मेडिकल लाइसेंस के क्लिनिक चला रहे हैं। बता दें कि ग्रामीण इलाके में झोला छाप डॉक्टरों का अच्छा खासा मकर जाल बिछा हुआ है और मरीजों से डॉक्टर मोटी रकम वसूल रहे हैं। झोला छाप डॉक्टरों के बारे में स्वास्थ्य विभाग के कानों में भनक तक नहीं है। अब देखने वाली बात यह है कि आखिर इन झोला छाप डॉक्टरों पर कब कार्यवाही होती है। तो मरीजों से मोटी रकम भी वसूली जा रही है डॉक्टरों का, ये जो खेल सामने आया है, और ये डॉक्टर नहीं है, ये झोला छाप डॉक्टर हैं जो कि जनता को लूट रहे हैं। बदायूं से ये खबर सामने आ रही है जहां इन डॉक्टरों के पास ना ही डिग्री है ना लाइसेंस है और ये फर्जी क्लिनिक चला के लोगों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता मनोज कुमार जुड़ चुके हैं। मनोज, पूरी जानकारी चाहेंगे कि झोला छाप डॉक्टर किस तरह से लोगों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। बहुत बुरी तरीके से खिलवाड़ कर रहे हैं ये झोला छाप डॉक्टर, आए दिन मरीजों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, हमें स्वास्थ्य विभाग की बहुत बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। जी, तो क्या अभी तक कोई ऐसा मामला देखने को मिला है कि इन झोला छाप डॉक्टरों की वजह से किसी की तबीयत सुधरने की बजाय खराब हुई हो? बहुत से ऐसे केस आ चुके हैं जो झोला छाप डॉक्टरों की वजह से कई लोगों की तबीयत खराब हो चुकी है। जी, तो क्या स्वास्थ्य विभाग को इसकी भनक है, क्या इसके ऊपर कोई एक्शन लिया जाएगा, क्या कोई शिकायत दर्ज करी गई अभी तक? अभी कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई है, देखने वाली बात यह है कि देखते हैं झोला छाप डॉक्टरों के खिलाफ कब तक कार्रवाई होती है। ग्रामीणों का क्या कहना है इन झोला छाप डॉक्टरों को लेकर? ग्रामीणों का कहना है कि ये झोला छाप डॉक्टर 200 से 400 रुपए 500 रुपए तक वसूलते हैं, आय का आने जाने पैसे लेते हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए तमाम जानकारी के लिए। बदायूं से इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता मनोज कुमार जुड़े थे।
संभल में सरकार की डोर टू डोर सरकारी खाद्यान्न राशन वितरण प्रणाली की अधिकारियों की मिली भगत से खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। ब्लॉक बनियाठेर के राशन खाद्यान्न वितरण के ठेकेदार सरकार की मंशा के खिलाफ जाकर मोटी कमाई कर अपनी जेब भर रहे हैं। ठेकेदार सरकारी राशन को दुकान पर ना ले जाकर सीधा अपनी बताई हुई जगह पर ले जाते हैं और वहां से राशन को कोठेदार अपनी किराए की गाड़ी से दूसरी जगह ले जाकर इसे बेचते हैं। उसके बाद राशन का वितरण किया जाता है। इससे साफ पता चलता है कि ठेकेदार अपनी मनमानी कर रहे हैं। नहीं ऐसा है ना, जहाँ तक दुकानों पे नहीं पहुँचता है वो लेके जा रहे हैं वैसे। तो ये क्या वजह से लेके जा रहे हैं? क्यों नहीं पहुँचेगा? आप क्यों नहीं पहुँचा रहे उनको? कहाँ दे रहे हैं वो डीलर? आपके सामने मना कर रहे हैं? किसे? किसे? डीलर को। डीलर को 10 रुपए क्विंटल आप देते हो नगद? नगद। अच्छा, तो वहाँ पे क्यों नहीं पहुँचाते? डीलर क्यों आ रहे हैं यहाँ पे लेने? डीलर कहाँ से ले जा रहे हैं? कहाँ से? अरे तो वो जो मेरे भाई, अरे तो ये काम तो आपका है ना, डीलर यहाँ क्यों आएगा लेने? अरे वो भी लेके जा रहा है, नहीं जा रहा है संतुष्टि के लिए। अरे डीलर संतुष्टि सर्टिफाइड होने के लिए वहाँ से पूरा लेके जाता है, अपना वाहन तुलवाता है, फिर लूट कराता है, लूट करने वाले अपना पूरा पेमेंट लेता है, फिर हमसे पैसा लेता है, 10 रुपए क्विंटल रवानगी लेता है। जो पहुँच जाएगी जो वाली गाड़ी पहुँच जाएगी, लेकिन ये लोग पहुँचे ना रहे तो मैं क्या करूँ? अच्छा, आपको पहुँचा नहीं रहे हैं आपके वहाँ तक? आपको खुद यहाँ से ले जाना पड़ रहा है? मुझे खुद ले जाना। अच्छा, जो आप खुद अपने इन गाड़ियों से पलटी कराते हैं बड़े बड़े ट्रकों से, अपने निजी वाहन में आप जो पलटी करा रहे हो? हमने पिछली बार क्यों ले गए? हाँ, तो ये मजदूर जो आपके ट्रक में जो बोरी चढ़ाते हैं उसका पैसा कौन देता है? यहाँ से चढ़ाई, कोई पैसा नहीं देता। अच्छा, तो संभल से ये खबर सामने आ रही है। आपने देखा किस तरह से बात को घुमाते हुए नजर आ रहे थे राशन डीलर और बता रहे थे कि बड़े ट्रक वहां नहीं जा सकते, इसलिए अपनी गाड़ियों पे माल को ढुलवा कर ये लेकर जाते हैं, लेकिन ये अपने बताए अड्डे पर लेकर जाते हैं इस माल को और उसके बाद वितरण किया जाता है। तो संभल से ये खबर सामने आ रही है जहाँ डोर टू डोर राशन वितरण की प्रणाली पर किस तरह से धज्जियां उड़ाई जा रही है। राशन कोठेदार अपनी किराए की गाड़ी से दूसरी जगह ले जाते हैं राशन को, उसके बाद राशन का वितरण किया जाता है। साफ पता चल रहा है कि किस तरह से ठेकेदार अपनी मनमानी कर रहे हैं। तो पात्रों को नहीं मिल पा रहा है उनका राशन और उनके राशन का हेर फेर किया जा रहा है। और इस खबर में हमारे संभल से संवाददाता मुबारक अली जुड़ चुके हैं। मुबारक, पूरी जानकारी चाहेंगे इस मामले में। मुबारक, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी जी। मुबारक, पूरे मामले की जानकारी चाहेंगे, किस तरह से ये राशन का हेर फेर करते ठेकेदार? आपको बता दूं, जनपद संभल के तहसील चंदोसी का बनियाठेर पड़ता है। बनियाठेर में जो राशन डीलर से होम डिलीवरी का चार्ज लिया जाता है और ठेकेदार वहाँ पे मनमानी कर रहे हैं। मनमानी योगी सरकार के सख्त आदेश है, बोले होम डिलीवरी घर पहुँचाया जाए राशन के लिए। जी, तो ये डीलर बता रहे हैं कि बड़े ट्रक नहीं जा सकते, इसलिए छोटे वाहनों पे लेके जा रहे हैं अपने राशन को, इसमें कितनी सत्यता है? आपको बता दूं, जो राशन डीलर हैं, जो वो सही बात है जो बता रहे हैं डीलर, जो होम डिलीवरी का चार्ज वो लिए जाते हैं और अधिकारियों को इस बात की भनक नहीं लगी। योगी सरकार लाख दावे कर रही है, फिर भी अधिकारी अपने आने से बाहर नहीं आ रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे संभल से संवाददाता मुबारक अली जुड़े थे। चार बजे की चार बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ बाल पुष्प, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।